हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं आया हूँ कुछ भाइयों से मिलने के लिए जो अपने पंजाब से हैं, और ये एक डिलीवरी के बारे में वीडियो है जो आप देख पा रहे हो पीछे। बोल्ट फूड स्कूटी पे डिलीवरी करते हैं, तो इसमें क्या कैसा पैसा बनता है क्या नहीं है, पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है। जो भाई अब मेरे साथ हैं, जगी भाई हैं, रॉबी भाई हैं और सुखी भाई हैं, तीनों बोल्ट फूड में काम करते हैं, स्कूटी से काम करते हैं, तो उन्हीं से जानेंगे अपन पूरी स्टोरी, ओके? ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको पता चले जॉब कैसी है क्या नहीं है, ओके? हाय गाइस, हाय कैसे हैं हाय, पाजी? बढ़िया ये जी। जगी पाजी हैं, हेलो और पाजी। ये रॉबी पाजी हैं, और ये अपने सुखी पाजी हैं। पाजी, आप बताइए जॉब के बारे में, कब आया क्रोशिया आए पहली बार? जी, मैं आया था क्रोशिया लास्ट ईयर मई में। ओके, अच्छा, आप मई में लास्ट ईयर क्रोशिया आए, ठीक है। मैं आया था होटल लाइन में उस टाइम। आप होटल लाइन में आए थे, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे मैंने 2 मंथ हुए हैं और मैंने अभी डिलीवरी जॉब में स्विच किया है ओके, होटल लाइन से। अच्छा पाजी, स्कूटी से डिलीवरी करते हैं आप? जी आप भी पाजी? जी ओके, और सुखी पाजी भी स्कूटी से करते हैं, रॉबी पाजी भी करते हैं, और ये भी करते हैं। पाजी, क्या कैसा सीन है, क्या कितना बन जाता है? स्कूटी पे हम आपको बताएं, मतलब हम दोपहर में काम स्टार्ट करते हैं 11 बजे 12 बजे, क्योंकि डिलीवरी का भी ना एक टाइमिंग होता है, पीक टाइमिंग होती है। ओके, ठीक जो लोग हैं या तो वो इवनिंग में ज़्यादा खाना ऑर्डर करते हैं, है, ठीक है। जो ऑफिसेज हैं उसमें दोपहर के टाइम ज़्यादा खाना ऑर्डर होता है, लंच टाइम पे, ठीक ओके, है। तो दोपहर में हम 12 बजे के आसपास स्टार्ट करते हैं काम, और हम 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक काम करते हैं। हमारा 50-60 यूरोज प्लस हो जाता है मतलब डेली आप का। 6 से 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे काम करते हैं, और आपका 50 यूरो बन जाता है। 8 घंटे भी आप बहुत ज़्यादा बहुत बोल ज़्यादा रहे हो, बोल, एट अगर टू ऑर्डर टेन का यूरो पर की एवरेज मान के चलिए पर आवर। आवर, चलिए मैं 8 का पकड़ता हूँ, मतलब 8 यूरो बन जाता है। हाँ जी, जैसे तो ना मतलब अभी सर्दियाँ हैं, मतलब कम बन रहे हैं, जैसे मौसम नीचे जाएगा, गर्मी आएगी, अगर सुबह हम 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भी करेंगे तो 100 यूरो टच हो हंड्रेड जाता है। यूरो प्लस का। मतलब अगर 8 की आप एवरेज पकड़ेंगे स्कूटी पे स्पेशली, क्योंकि तभी पॉसिबल है, स्कूटी पे कर रहे हैं तो, जैसा कि पाजी बता रहे हैं कि आप 8 यूरो का एवरेज पकड़े और 8 घंटे कर रहे हैं, तो 8 × 8 64 बनता है। अगर 10 घंटे कर रहे हैं तो 80 यूरो भी बन सकता है, इजीली इजीली बहुत इजीली बन सकता है, ठीक है। ये डिपेंड भी कई ऑर्डर्स पे करता है, कई बार काम होता ही नहीं है, सच ओके, में नहीं कई होता, दिन ऐसे भी आएंगे महीने में तो ऑर्डर्स नहीं होंगे, नहीं कुछ दिन होते, होंगे। अच्छा कुछ पाजी, दिन होते फिर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि चलिए ऑर्डर्स नहीं है तो जी। कभी ऑर्डर्स हैं कभी नहीं है, पर मंथ का एवरेज क्या रहता है? आप इजीली 1000-1200 प्लस कर सकते हैं। 1200 यूरो बन खर्चा जाता है। निकाल के सर, अगर आप खुद के एक्सपेंसेस कर रहे हो, रेंट भी रेंट पे हजार हाँ, खुद का खर्चा निकाल एकोमोडेशन, के, खुद का हाँ, खाना, टैक्स, एवरीथिंग, 700-800 700-800 यूरो बच जाता है। बच जाता 700 बच सकते एवरेज अच्छा, 50 मतलब के हिसाब से रोज का एक चलते बीच हैं। का आंकड़ा लूँ तो 750 यूरो तो बच ही जाएगा। और ये तब है अगर आप सिर्फ दिन में 7 घंटे 8 घंटे काम, अच्छा ज्यादा करते हैं तो आप ज्यादा बच 11 घंटे 12 घंटे काम करोगे तो आप 1500 प्लस कर सकते हो, 1800 भी बना सकते उसमें हो, 1000 प्लस भी बच सकता है। हाँ। अच्छा, आप अगर 7 से 8 घंटे काम करते हैं तो जैसा कि पाजी बता रहे हैं कि आप इजीली 750-800 बचा सकते हैं, ठीक है, बट हार्ड वर्क के देखिए, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ इजीली, मतलब बचा सकते हैं बट इजीली नहीं, वर्क देखिए, इस डिलीवरी वर्क मैं पहले बोल चुका हूँ हार्ड है बट बचा सकते हो, हार्ड स्कूटी में भी है, इतना हार्ड भी आप मत मानिए कि हार्ड है, बट राइडिंग तो करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत सब किसी भी फील्ड में आप यहाँ होगे, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, पर ये बचा सकते हो। प्लस अगर आप 12-12 घंटे काम कर रहे हो तो 1000 यूरो प्लस भी बचा सकते हो। अच्छा बाजी, और जैसे क्या जॉब से क्रोएशिया में आपके हिसाब से जो बेटर जॉब से डिलीवरी से? डिलीवरी से बेटर जॉब होटल या रेस्टोरेंट का जॉब है, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि सीजनल है, सीजनल है, बहुत कम रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जो आपको परमानेंट रखें, नहीं तो सिर्फ 6 महीने 7 महीने के लिए काम होता है। जॉब्स अच्छे हैं, मतलब मतलब होटल्स सैलरी में अच्छा है, सैलरी अच्छी है, 800-2000 यूरो भी अच्छा है, सब कुछ मिलता है, ओके, बट वो परमानेंट जॉब है। फूड भी देते हैं? फूड भी होता है बट परमानेंट जॉब है। ओके, परमानेंट नहीं है, सीजन खत्म, जॉब खत्म, जॉब आपको फिर से ढूंढनी पड़ेगी, न्यू जॉब ढूंढनी पड़ेगी। एक्चुअली क्रोशिया छोटी कंट्री है ना, तो ये टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, ओके, टूरिस्ट आएंगे तभी होटल्स चलेंगे, ठीक टूरिस्ट है, नहीं आएंगे तो होटल चलेंगे। बिल्कुल सही बात बोली आपने, 6 महीने का सीजन ही रहता है भाई, जैसे सीजन मतलब ये हर साल ऐसे अगस्त सितंबर में जाते शीतम खत्म हो जाएगा, राइट, मार्च मार्च फर्स्ट अप्रैल से लेके 15th और या 18th मार्च सितंबर तक चलता है ये, मार्च से लेके सितंबर तक, मार्च के लास्ट वीक से लेके अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक सीजन रहता है। ये 6 मंथ का सीजन है, और क्योंकि क्रोशिया में ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स है, बीचेस हैं बहुत, बीचेस बहुत बड़ी कॉस्ट लाइन और है, आपको
एड्रियाटिक सी वाली इटली के सामने वाली पूरी इनकी है और पिछले काफी टाइम से क्रोशिया मतलब टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है और इस साल शेनिगन में आया है तो उस वजह से टूरिज्म और ज्यादा है। चलो वो तो एक अच्छी चीज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीजा फ्री हो गया है तो और लोग इजीली आ सकते हैं। एक शेंजन वीजा लिया उस पर क्रोशिया भी आ गया, हालांकि आउट थर्ड कंट्री के जो लोग पहले भी शेंजन आते थे उनके पास शेंजन वीजा है तो वो विदाउट वीजा आ सकते थे क्रोशिया, पर अब और इजी हो गया, नो मोर चेकिंग्स, नथिंग इज देयर, टाइम बच रहा है तो लोग वो हेडेक्स जो इमिग्रेशन हेडेक्स होती है उससे अब लाइनें नहीं लगेंगी। यहाँ पे तो ये हाल है, मतलब किसी भी फील्ड में आप काम कर लो, किसी भी फील्ड में 6 महीने का काम, चाहे वो लकड़ी की फैक्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना तो काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, सिर्फ आपको जो रेगुलर काम मिलेगा कंस्ट्रक्शन का मिलेगा या फिर अगर आप डिलीवरी का कर सकते हो अपनी अपनी मर्जी से। ओके, जब सर्दियाँ स्टार्ट होगी सारे काम खत्म होने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो लकड़ी की फैक्ट्री का हो, चाहे वो होटल लाइन का हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का हो, काम कम होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए लोग भागते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम है जो परमानेंट काम है, 12 मंथ है कंस्ट्रक्शन का एक काम है जो यहाँ पे 12 मास चलता है, मतलब कि फुल ईयर चलेगा उसमें भी, बट जो लास्ट का एक मंथ होता है ना, मतलब मिड दिसंबर से लेके जनवरी मिड, एक डेढ़ महीना ऐसा रहता है जब काम थोड़ा मंदा हो जाता है, मंदा भी नहीं मतलब उसमें एम्प्लॉयर छुट्टी दे देता है क्योंकि वो पीक स्नोफॉल चलता है, स्नोफॉल यहाँ ठंड में भी बारिश हो जाती है, एक्चुअली ठंड में भी बारिश बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठंड होती है बहुत ज्यादा उसमें भी बारिश होती है, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। देखिए ये जो धूप वगैरह आप देख रहे हो ना, ऐसी धूप देखने को नहीं मिलती कई दिन तक, अपने सर्दियों में धूप होती है या नहीं होती, दिन छोटे हो जाते हैं, ठंड बहुत ज्यादा होती है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखने को मिलता है सर्दियों में, बट नहीं है सर्वाइव, देखो यहाँ के लोग भी रह रहे हैं, अपन भी रह सकते हैं। अच्छा पाजी, कंस्ट्रक्शन में भी जैसे होटल्स तो आपने बोल दिया सबसे बेस्ट है, कंस्ट्रक्शन जॉब भी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन में ट्रेड वालों के लिए, ट्रेड वालों के लिए, हेल्पर वगैरह के लिए, अगर आप हेल्पर के लिए लेबर में आ रहे हो तो उसमें हार्ड जॉब है, मतलब हाँ जी भाजी, अगर जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन का कुछ भी काम आता है ना, लेबर में अगर आना है, अगर शरीर अच्छा है तो ही आए, उससे अच्छा है कि सीख के आए 6 महीने ट्रेड, ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, इन्होंने जॉब कर रखी है, इनसे पूछिए, दो बंदे दुबई कतर में भी 4-4 साल 10-10 साल लगा के आए ना, यहाँ पे आके उनकी भी हालत खत्म है। सुन लिया आपने कि 4 साल कतर दुबई में जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर चुके हैं हेल्पर में, वो भी यहाँ आके जब देखते हैं ना तो हालत खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क है, और मैं एक वीडियो आप ऑलरेडी जाके देखोगे मैं डाल चुका हूँ कि आप उससे अच्छा है कि हेल्पर में आने से अच्छा है कि आप लोग 4-6 महीने लगा के कुछ स्किल सीख के आए, राइट। अच्छा, और इसमें जैसे आप 8 घंटे करते हैं, आप बोल रहे हैं 1200 बन जाता है, और ठीक है कभी डिलीवरी नहीं भी होती है, कभी होती है, पर हाँ एटलीस्ट 1200 बन जाता है, खाने पीने का वगैरह काम नहीं आया डिलीवरी का, मेरे को लगता है भाजी एक एडवांटेज है कि पैसा बनता है, पर आप फ्री है, आपको कोई कहने वाला नहीं। डिलीवरी में भी ना 2 टाइप की डिलीवरी है, हाँ जी, एक आती है टारगेट बेस्ड, ओके, जिसमें आप किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हो और वो कंपनी आपको बोलती है कि 600 यूरो 700 यूरो फिक्स सैलरी है और आपको पर वीक की इतनी डिलीवरी करनी है, ठीक है, टारगेट दे दिया, टारगेट बेस्ड आपने 150 डिलीवरीज करनी है, ओके, उसका थोड़ा मतलब वो नेगेटिव है क्योंकि उसमें कई बार डिलीवरीज कम आती है तो आपको सुबह 9 बजे निकलना पड़ता है, रात को 9-10 बजे तक जो काम करना, सैलरी बेस, जो कई लोग मुझे पूछते थे सैलरी बेस्ड जॉब क्यों नहीं है, तो आप सुनिए कि जब सैलरी बेस होती है तो टारगेट भी फिक्स होता है, ये लोग कर रहे हैं मेरे से भी ज्यादा, इनको पता है, देखिए तो उसमें ये है कि अगर कम डिलीवरी है जिस दिन आपको जल्दी निकलना पड़ेगा और लेट आना पड़ेगा, हो सकता है 14 घंटे भी काम करना, तभी टारगेट अचीव नहीं होता, तभी टारगेट तब भी नहीं होता, नहीं होता, कई बार डिलीवरी होती ही नहीं है, तब भी डिलीवरी में आपको टारगेट अचीव नहीं होगा क्योंकि वीक के ना जो 4 डेज है, एक मंडे और उसके बाद जो वीकेंड्स है फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 4 दिन तो डिलीवरीज अच्छी होती है, जो बीच के दिन है ना ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, उस टाइम कई बार ऑर्डर कम होते हैं तो टारगेट कई बार नहीं अचीव होता, और कई बार बारिश स्नोफॉल आ गया तो उस वजह से भी काम, बारिश आ गई स्नोफॉल आ गया, आप ज्यादा ही हवा है ठंड है, आप 2-4 घंटे आपने बीच में रेस्ट ले लिया तो आपका वही ऑर्डर्स कम हो गए ना, तो आपने टारगेट भी अपने ध्यान में रखना है, चूज किया भाई सभी जगह धक्के खाके, लास्ट में हमें यही काम, देखिए बढ़िया लगा, ये चीज भी सुनिए आप, 50 जगह इन्होंने काम करके लास्ट में फिर डिलीवरी चूज किया और 1200 यूरो इनका बनता है, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी में पैसा नहीं है, ऐसे भी हम तीनों ने खराब किए, अगर आपको यहाँ पे आना है ना तो किसी को 1 रुपया नहीं देना, कोई बोले ना कि मैं पैसे पैसे दे रहा हूँ, पैसे दो मेरे को, मेरे को काम पे लगवाने के लिए, काम पे लगवाने के लिए किसी को पैसा नहीं देना, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, यहाँ आने के बाद अगर जॉब चेंज करनी है तो खुद से ढूंढिए, बहुत आपको तमिल वाले मिलेंगे, बहुत आपको नेपाली मिलेंगे, बहुत आपको यहाँ पे बैठे हुए ब्लॉगर मिलेंगे जो अपने आप को बहुत बड़े ब्लॉगर समझ रहे हैं, बिल्कुल वो भी पैसे मांगते हैं, आपको नंबर दूसरे दे, किसका बोल रहे हैं किसका नहीं बोल रहे,
खुद आगे नहीं आएंगे, दूसरों को आगे करेंगे आप पैसे लेने के लिए, वो मांगेंगे। दूसरी चीज मांगते हैं, ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और चलिए पाजी, वो उनका बिजनेस है, अपन उसके बारे में नहीं बोलते हैं कि कौन क्या करता है। देखिए छोड़िए उस बात को, सभी देखिए वो हेल्प भी कर रहे हैं अगर, और किसी के पास भेजते पैसे भी लेके भी अगर किसी को जॉब मिल रही है तो इट्स ओके। बट हाँ, आप कुछ सबसे पहले आप ट्राई करिए खुद जॉब ढूंढने का, खुद जॉब ढूंढिए, ये सबसे बेस्ट चीज है। वेबसाइट्स पे ट्राई कीजिए। हाँ देखिए वेबसाइट्स है यहाँ, जैसे पाजी आप जो दो तीन चार वेबसाइट जानते हैं एक बार बताइए। निजुष्कालो वेबसाइट है, निजुष्कालो। उसके अलावा आप फेसबुक पे भी ट्राई कीजिए, फेसबुक पे जॉब्स मिलती हैं, बहुत सारे ग्रुप एजेंसीज हैं, कई ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके बाद फिर आप एजेंसीज के पास जाइए। डिलीवरी जॉब करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी में कभी कोई चार्जेस नहीं है, इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे आके आप डिलीवरी जॉब लोगे ना तो उसका कोई पैसा, यहाँ आने के बाद अगर डिलीवरी के काम में कोई पैसा नहीं है, ज्वाइनिंग कोई फीस नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्वाइन लोग यहाँ पे आके भी ना ज्वाइनिंग का भी पैसा ले रहे हैं, दो दो डिलीवरी वो गलत है। कंस्ट्रक्शन में चलो लगता नहीं है, बिल्कुल सही बता रहे। देखिए परिस्थितियां कैसी होती है कोई नहीं जानता है, इसमें बाथरूम नहीं था, पानी नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, देखिए वो सब देखने के बाद पाजी आज जो डिलीवरी कर रहे हैं ना उसमें अच्छा कमा रहे हैं। देखो 1000-1200 यूरो कमा रहे हैं, इनका खर्चा चल रहा है, पैसे बच भी रहे हैं 700-800। और अभी हम डिलीवरी का कर रहे हैं, इसका एक तो हमारे पास ये बेनिफिट है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। हम 4 घंटे काम करें, 6 घंटे काम करें, आप पे डिपेंड। और हर वीकली हमें पेमेंट मिलती है, हर वीकली हमें सैलरी मिलता है 300-400 यूरो, जितना भी हमारा जितना आपका वीक में बना आपको मिलता है, हमारा जो अर्निंग है। अगर 3 वीक में आपका अच्छा चला और आपने 400-400 कमाया, 1200 हो गया, 1 वीक में खराब भी हुआ 200 भी हुआ तो चल जाता है। मतलब हम यही सोच रहे हैं, 7 दिन होते हैं, 4 दिन उसमें अच्छे जाते हैं, उस 4 दिन हम अच्छा काम करते हैं, बीच के 3 दिन हम थोड़ा कम काम कर लेते हैं। एग्जैक्टली एवरेज बना रहता है। ये जो जैकेट्स और बैग और इनका क्या सीन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब कॉस्ट है, ज्वाइनिंग में आप ज्वाइनिंग में आपको साथ में मिलेगा, सब ज्वाइन करोगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सब कुछ। ये चीजें कोई दिखाता नहीं ना अपने, ये 1 महीने की अर्निंग है सारी। ठीक पाजी बताइए, देखो ये 1 महीने की अर्निंग है, यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग ये जो 704 लिखी हुई है ना उसमें उल्टा दिख रहा है शायद, आप पढ़ के बताइए। ये जो मेरी ग्रॉस अर्निंग लिखी हुई है, हाँ। अभी मैंने 219 डिलीवरी कंप्लीट की 1 महीने में, ये हमने इसमें अभी 1 महीना पूरा काम नहीं किया, ये कम से कम इस महीने काम कम हुआ है, मतलब काम किया ही नहीं है, किया ही नहीं है, और 700 यूरो बने हैं। ये दिखा रहे हो, इसके देख लो, ये देखिए इनके कोई नहीं दिखाया, आपके 733 यूरो बने इनके और उनके 704 यूरो बने, ये जो आप देख सकते हो अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो। और इसमें एक ये टिप का ऑप्शन भी है डिलीवरी का, ये सबसे अच्छा चीज है। ऑनलाइन डिलीवरी होती है, मतलब दो तरह का होता है ना, आपका जो कस्टमर है वो कैश पेमेंट करता है या ऑनलाइन करता है। ये 23.5 यूरो इस मंथ का ऑनलाइन टिप है, जो ऑनलाइन मिला है, मतलब लगभग 25 यूरो उनको टिप मिला है, और कैश 25 यूरो कैश, 20-25 मतलब 50 यूरो तो आपको टिप आ गया, टिप मिल गया, कैश भी टिप होती है, ऑनलाइन भी होती है, तो 50 यूरो तो टिप आई है, और 750 यूरो इनकी इस महीने, ये बोल रहे हैं कि इस मंथ मेरा काम बिल्कुल कम हुआ है। स्टार्टिंग में ये मंथ फरवरी स्टार्ट हुआ है ना, फर्स्ट वीक में मौसम अच्छा नहीं था तो काम नहीं किया, हमने 1 वीक काम नहीं किया उसके बाद, और हम 1 वीक में एक छुट्टी भी लेते हैं। ओके, बीच में मतलब कुल मिला के महीने में आपने 18 से 19 दिन ही काम, 15 दिन मतलब काम है, कई बार 3-3, 4-4 दिन अभी जो हमने आपको बताया, पिछले 3 दिन कोई काम नहीं था, मौसम खराब था, बिल्कुल काम नहीं किया, अभी आज काम स्टार्ट करेंगे तो रात तक कर देंगे। मतलब देखिए पाजी ने मतलब मुश्किल से 15 दिन काम किया है और 700+ यूरो इनके बने हैं, 715 करीब सुखी भाई के बने हैं और पाजी के बने हैं 733 यूरो, वही 750 आप मान लीजिए। ये देखिए कल का अर्निंग है, कहाँ आ रहा है ये कितना है बताइए, ये 51 यूरो है और ये 4-4.5 घंटे काम करने का है। ये देखिए 4.5 घंटे ही काम किया है, 51 यूरो कल की अर्निंग है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनता पैसा, बनता है, और देखिए डिलीवरी में मैं आपको बता रहा हूँ मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा भी बनेगा। वही बात है कि आपको 4-6 महीने अगर आपको अच्छा लगता है आप डिलीवरी करिए, जब सर्दी आ गई डिलीवरी कम होगी तो आप साइड में पार्ट टाइम जॉब या कुछ दूसरा जॉब भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, यही सब था, और भी कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो मैं जगी पास जी को पूछ के आपको रिप्लाई करूंगा। और एक ये अर्निंग देखिए, ये है 79 यूरो 39 सेंट, 80 यूरो एक दिन का भाजी, और ये 8 घंटे का, और ये 8 घंटे का पता कैसे है, सुबह 11 बजे शुरू किया, 3 बजे हमने खत्म कर दिया बस, फिर 2 घंटे रेस्ट किया, यहाँ पे 5 बजे से 9-10 बजे तक, तो टोटल कितने घंटे उस दिन आपने काम, 8 घंटे
दस मान लूं एक बार, चल मान लीजिए आठ घंटे ही काम किया, मैं इनको उल्टा बोल रहा हूँ, दस है, दस यूरो किया और आठ घंटे में इन्होंने 79 ऑलमोस्ट 80 मान लीजिए 80 यूरो, मतलब 10 यूरो पर आवर और टिप अलग 4-5 यूरो 6 यूरो रोज की 2-3 यूरो कैश टिप मिल जाती है और जो क्या बोलते हैं 5 यूरो टिप ऑनलाइन टिप डेली बन जाती है आ जाता है। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं मैं डायरेक्टली उनके पास आके ये वीडियो बनाया ताकि आपको पता चले। देखिए हार्ड काम है, मैं बोलता हूँ साइकिल्स पे मैं भी कम पैसा बनता, पर स्कूटी पे जो बन रहा है मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ जी, दिस इज रियलिटी जी। जिसने बाहर आ रहा भाई वो मेहनत कर करने वाला ही करने वाला होगा, होने वाला होता है। देखो हमने भी कभी मेहनत नहीं की थी घर पे, घर वाले गाली देते थे कि यहाँ पे काम नहीं करते आप, बिल्कुल यहाँ पे आके सिर पे पड़ी 8 दिन कंटेनर में भी सोए, घर पे नहीं बताया किसी को, घर पे पैसा भी भेजा हर महीने भाई, कंटेनर में सोने के बावजूद भी पैसा भेजा है, जैसे मर्जी भेजा। ओखी परिस्थितियां भी देखी है, देखी है, मतलब कठिन समय भी देखा है बहुत। डिलीवरी से पहले ना हम तीनों के पास पैसे नहीं थे भाई, ब्रेड लेके पानी के साथ खाई है हमने। देखिए आप बाहर आ रहे हो ना तो हर एक चीज मतलब हर एक सिचुएशन के लिए तैयार होके आइए, और सभी भाई हैं अपने, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। पाजी सब्सक्राइबर है, कुछ बोलना चाहेंगे भाई? चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो और हमें भी लाइक करो। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये था आप भी आइए, बिल्कुल आगे मिलिए, और ये था वीडियो, चैनल मुंदे से मिलिए, इसको पैसा ना देना पड़े, बिल्कुल पैसा नहीं देना पड़ता, कोई भी काम हो पैसा दे बगैर काम हो जाता है, ये थोड़ा दिमाग लगाओ, ढूंढो घूमो फिरो फिर मिलेगा जॉब, अगर खुद से भी ढूंढोगे तो भी आने के बाद चेंज करना तो मिलता है। ये भाई भी दिलवाता है जॉब, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाइयों से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा है, और आप भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय बाय।